बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम एक टोटका लेकर आए हैं जो कि बॉल पॉइंट का निशान लग जाता है अपने जो बच्चों के कपड़ों पर, यूनिफॉर्म पर, या हस्बैंड्स की जो है वो जेब पर। आपने पता है कि वो बॉल पॉइंट जो है वो रखते हैं ताकि वो काम के सिलसिले में उनको ईजीली ढूंढना पड़े और ढूंढना ना पड़े, और वो बॉल पॉइंट का जो है वो निशान रह जाता है और फिर नेक्स्ट टाइम वो शर्ट जो है पहनने के काबिल नहीं रहती। तो बहुत से लोग इस चीज़ को कहते हैं कि हमें इस ऐसी चीज़ों का टोटका पता चले कि हमें ना मेहनत करनी पड़े और ना ही हमें ज़्यादा जो है ना वो बार बार शर्ट्स जो है वो ख़रीदनी पड़े कि हाँ इतने तो अफोर्ड नहीं कर सकता कि हर बंदा जब भी शर्ट ख़राब हुई तो नहीं ख़रीद लें। तो उसी शर्ट को हम जो है वो साफ़ करना बताएँगे। लेकिन शर्ट तो नहीं है खैर मेरे पास, लेकिन कोई भी आप कपड़ा ले लें, शर्ट ले लें, शलवार कमीज पहनी हुई है जेंट्स ने, अगर यहाँ पर आपने पॉकेट लगाई है, यहाँ पर कई लोग पेन रखते हैं, पॉकेट यहाँ पर हो तो वहाँ पर आपने पेन रखा हुआ होता है, तो वो सामने जो देखने वाला है वो उसकी नज़र जो है आपके साफ़ सुथरे कपड़ों पर नहीं जाएगी, वहीं पर जाएगी जहाँ पर वो पेन का निशान पड़ा होगा कि है इन्हू ज़रा सारी भी नहीं समझ आ रही थी, बीवी ज़रा भी नहीं पता चलता कि बंदे अंजी बाहर कर देता वे तो बेचती तो औरता दी है उन औरतों की बेइज्जती नहीं होगी। तो हस्बैंड का ख्याल करा करें, और जब हस्बैंड का ख्याल करेंगे तो वो भी खुश होंगे और देखने वाले कहेंगे है एडा साफ सुथरा बंदा बाहर होके निकलता वे, बीवी ने इन्हू चमका चमका के भेजा है। तो ये तो थी थोड़ी फनी बातें, लेकिन वाकई टोटका बड़ा ज़बरदस्त है। और ये टोटका मुझे तकरीबन काफ़ी अरसे से पता है, मतलब साल से भी ऊपर हो गया। तो मुस्काती लाइफ मेरा चैनल चूँकि बंद हो चुका है इसलिए मैंने वहाँ पे ये बताना था, लेकिन मैंने इतना इंतजार किया कि कहीं वो सही हो जाए, सही हो जाए, नहीं सही होता तो नहीं सही होता तो डर दो छो फिर उन्होंने छोड़ दो खेड़ा होता तो ये नया चैनल है, इस पर आपने आना है और आपको इतने अच्छे अच्छे टोटके मिलेंगे। मेरे जहन में बहुत से टोटके हैं, जहन में क्या, मुझे किसी ने केमिकल का नाम बता नहीं रहे थे, बहुत लड़ झगड़ के इस केमिकल का नाम पता चला है। और एक और मैं आपको बात बता दूँ, ये आपको इतनी डिटेल मेरी सुननी पड़ी है, सुन लें प्लीज़, बड़े काम की बात है कि ये जो कोलगेट टूथपेस्ट से जो साफ़ करते हैं या सिरका करते हैं, ये मैंने करके देख लिया, नहीं साफ़ होता। एक घंटा मेरा जो है ना वो ज़ाया हुआ ज़िंदगी का साफ़ कर करके कभी उसको सिरके में डिबो रही हूँ। तो ये जो YouTube पे जो चीज़ें बताते हैं ना कि ये टूथपेस्ट से ये हो गया तो सिरके से ये हो गया, तो वो गलत होता है। जो गलत प्लीज़ ना बताया करें, तो हलाल कमाएँ, ठीक है, बस ये कहना था। तो चलते हैं टोटके की तरफ। अच्छा, अब हमने लगा दिया बॉल पॉइंट का निशान और ये है केमिकल टिपोल। इस केमिकल का नाम जो है ना वो मैं उसमा को बोलूँगी कि स्क्रीन पर लिख देता आपको, ताकि आपको जो है ना आसानी से मिल जाए। तकरीबन मेरे ख्याल में कितने सेकंड हुए होंगे ये देखिए, इस केमिकल से ना ये निशान फौरन हट जाएगा, जितना भी हो गहरा। तो अब आपको कोई फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अब मैं धोकर लेकर आती हूँ, इस्त्री करके बताती हूँ, ठीक है। अच्छा, इसको सर्फ से धोना है, केमिकल लगाने के बाद इसको सर्फ से धोना है, धोकर इस्त्री करना है। मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि कहीं ये ना हो कि केमिकल इस्तेमाल करने के बाद आपने ऐसे ही बस वॉश कर लिया, थोड़ा सा सर्फ इस्तेमाल कर लीजिएगा, देखिए और ज़्यादा नीट हो गया। तो मैं इसको वॉश करके लेकर आती हूँ। निशान ढूँढे कहाँ है निशान, मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, चश्मा लगा लो। अच्छा, आपको ये टोटका कैसा लगा? देखिए एक मिनट में जो ये मिनट भी नहीं, हाँ एक मिनट से भी कम जो है वो बॉल पॉइंट का निशान जो है वो ख़त्म हो गया, लेकिन हमने जो है वो टोटका लंबा घसीटा है बातें करने के लिए, लेकिन बातें ज़रूरी थी क्योंकि एक तजर्बे करके मैंने जब ये किया है तो मेरे दिल से बात निकल रही है कि देखिए मैंने ये तजर्बा करके देख लिया है कि उसको साबुन से भी कर लिया और टूथपेस्ट से भी कर लिया, लेमन से भी कर लिया, हर चीज़ कर लिया। अगर उज़्मा चाहे तो वीडियो चला देना, उज़्मा जो मैंने मेहनत की है चला देना, तो वीडियो आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वाकई क्या मैंने मेहनत की और कोई रिजल्ट नहीं निकला, लेकिन नहीं मेहनत की और फिर सही ना हो। ये तो ज़बरदस्त ये टोटका है, अगर आपको केमिकल मिलता है, हर एक शहर में एक बड़ी दुकान होती है केमिकल की, वहाँ से इजीली मिल जाएगा टिपोल के नाम से। अगर नहीं नाम स्पेलिंग आपको समझ आ रही तो उज़्मा यहाँ पर लिख देगी नाम टिपोल, और वो आपने
बोलकर अपने दुकानदार से बोल दीजिएगा तो वो केमिकल आप घर में रखें, कहीं भी इस तरह के निशान हो जाएं शर्ट पे या कमीज शलवार पर कुछ भी कहीं भी, तो वो आपने साफ़ कर लेना है। आपको ये टोटका कैसा लगा मुझे अपनी दावे ज़रूर याद रख लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।